हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में नष्ट समीकरण के बारे में पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे बच्चों प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अविशिष्ट चालकता क्या होती है। इसलिए कि यह आपके एग्जाम में हर साल 2 नंबर का बच्चों आता है। वैद्युत रसायन से 2 नंबर का यहाँ से बच्चों आता है और एकदम इजी होता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आओ इसके बारे में हम सब मिलकर डिस्कशन करें। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रतिरोध। अब किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों। अगर कोई चालक होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक वायर बनाया बच्चों, ये क्या आपका एक तार ले लिया, अब इसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों। अगर हम बात करें इसके प्रतिरोध के बारे में बच्चों, तो किसी भी चालक तार में धारा के मार्ग में जो रुकावटें आती है बच्चों, वही आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इसके डिफिनेशन की ना बात करते हुए हम डायरेक्टली आपके प्रतिरोध पर आते हैं बच्चों। अब प्रतिरोध को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, आपको पता है, आपने पिछले क्लास से पढ़ रखा है आर से। तो किसी भी चालक, हमने यहाँ पर एक तार बनाया और किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वह उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती कहने का क्या मतलब है, अगर कोई तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध, कहने का मतलब धारा के मार्ग में रुकावटें आएंगी। तो कहने का मतलब निकला, किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तार के लंबाई के। इसे बच्चों हम इक्वेशन नंबर आपका 1 मान ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो आपके प्रेस के तार होते हैं, जो आपके लैपटॉप के तार होते हैं, चार्जिंग वाले तार जिससे हम उसे चार्ज करते हैं, या तो आपने देखा होगा कि आपके जो टैबलेट के चार्जर होते हैं, उन सबके जो तार होते हैं, जो वायर्स होते हैं बच्चों, वह मोटे क्यों होते हैं। मोटे इसलिए उन सबके तार बच्चों, आपके वायर्स के मोटे क्यों होते हैं, यह इसलिए मोटे होते हैं बच्चों कि कोई भी तार जितना ज़्यादा मोटा होगा, जितना ज़्यादा बच्चों क्या होगा आपका मोटा होगा, उसका प्रतिरोध बच्चों उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो कहने का क्या मतलब निकला कि आपका जो प्रतिरोध होता है वह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। वह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब ए, यदि हमने अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल मान लिया बच्चों ए होता है, तो वह उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे बच्चों हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से बच्चों यदि यहाँ पर देखें तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A आएगा बच्चों। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका अनुक्रमानुपाती का बच्चों साइन है, अगर कभी भी यह हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट आएगा, हम बात करें आपके प्रतिरोध के बारे में, तो आपका जो कांस्टेंट आता है वह क्या आता है आपका रो एल बाई ए। अब बच्चों यहाँ पर रो कहाँ है, यहाँ पर बच्चों जहाँ रो क्या है बच्चों आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, रो क्या है बच्चों आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ से बच्चों आप डिफिनीशन भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनीशन लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान ले बच्चों 1 मीटर स्क्वायर मान ले, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वह उसके विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो यहाँ से आप डिफिनीशन आसानी से बना सकते हैं। तो अगर इसके मात्रक की बात करें तो आपका मात्रक क्या आएगा,
यहाँ पर बच्चों क्या निकला आपका, R इक्वल टू रो L बाई ए, या अगर रो का मात्रक हमें चाहिए तो रो इक्वल टू आर ए अपान बच्चों क्या आ गया आपका L आ गया। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, आपका ओम होता है। और आपका जो क्या होगा, अगर इसे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे भी तब हमें सेंटीमीटर में लेना होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट गया तो आपको क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो ओम सेंटीमीटर आपका क्या होगा, रो का मात्रक हो सकता है। तो यदि हम बात करें कि आपका रो क्या है, तो वह क्या है बच्चों, आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसके विषय में और लिखें कि यदि किसी चालक, अगर बच्चों यहां देखिए, यहां पर हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा, यदि हमने यल बराबर कितना मान लिया, 1 मीटर मान लिया, और ए बराबर क्या मान लिया बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, तो R इक्वल टू क्या बच्चों, रो होगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। तो इतनी चीजें बच्चों आप याद दीजिएगा। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये फार्मूला है और ये बच्चों आपका डिफिनेशन है। तो ये दो चीजें आप बच्चों बस केवल ध्यान दीजिएगा, और हमें विश्वास है कि यहाँ से आपका विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन को कैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, तो इसको आप बच्चों ध्यान दीजिएगा। बच्चों यहाँ पर हमने बात कर लिया कि आपका प्रतिरोध क्या होता है, और बच्चों आपको क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब बात करेंगे हम आपकी चालकता क्या होती है बच्चों। तो आपका जो चालकता होती है, देखिए बच्चों, अगर किसी भी तार में जितनी सुगमता से, जितनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उतना ही उस तार चालक तार का प्रतिरोध बच्चों क्या होगा, कम होगा। जितनी सुगमता से विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। कहने का मतलब निकला कि जो किसी चालक की जो चालकता होती है वह प्रतिरोध के इनवर्स होती है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि चालकता z इक्वल टू 1/r, g इक्वल टू क्या बच्चों आपका 1/r। अगर यहां से मात्रक लिखना चाहें किसी बच्चों चालकता की, तो क्या होगा आपकी, ओम इनवर्स होगा, क्योंकि यहां पर r का मात्रक क्या होगा बच्चों, ओम इनवर्स हो, ओम होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ओम इनवर्स हो जाएगा। और एक बात है बच्चों, आपका जो ओम इनवर्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, साइमन कहते हैं। मतलब
कि चाहे चालकता का मात्रक क्या लिखे बच्चों आपका, ओम इनवर्स लिखे या क्या लिखे, साइमन लिखे। और साइमन को किससे बदल सकते बच्चों, एस से। तो ये जानते रहिए, ये आपका यहाँ से यूनिट क्या होती है, ये बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जिस प्रकार से आपने चालकता आपके प्रतिरोध का क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो बच्चों आपकी विशिष्ट चालकता होगी, क्या विशिष्ट चालकता, वह वन अपान विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की इक्वल होगी। अब बच्चों आपकी विशिष्ट चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं, कापा से, और कापा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वन अपान रो होता है। वन अपान क्या होता है बच्चों आपका, रो होता है। या तो अगर हम रो का मान रखना चाहें बच्चों, तो के इक्वल टू, अच्छा ये बताइए बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रो एल वाई ए होता है। अगर यहाँ से हम आपका रो निकालना चाहें, वन बाई रो इक्वल टू एल अपान आर ए, तो मतलब क्या निकला, एल अपान आर ए। तो यहाँ पर रखिए बच्चों, तो आप रखेंगे वन बाई रो का मान, तो एल अपान क्या आ गया बच्चों आपका, आर ए आ गया। तो कापा इक्वल टू क्या है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, कापा कहते हैं। चाहे आप इस तरीके से बना दीजिए या तो इस तरीके से बनाइए, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अभी कापा कहते हैं, कुछ लोग इसे कप्पा भी कहेंगे, तो हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चों, कापा कह रहे हैं। तो यदि इसकी हम डिफिनीशन की बात करें, हम इसका डिफिनीशन कैसे बनाएंगे कि आपकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, और यह आपकी एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक भी और बच्चों इसका डिफिनीशन भी। तो यदि इसका डिफिनीशन बनाया बच्चों, आपने क्या लिखा, k इक्वल टू एल अपान आर ए। यदि हम लंबाई किसी चालक तार की 1 मीटर मान लें, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लें बच्चों आपका, 1 मीटर स्क्वायर मान लें, तो k इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 अपान आर हो जाएगा। तो मतलब क्या निकला, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी विशिष्ट चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध की क्या बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर बच्चों इसकी मात्रक की बात करें हम, कि यहां से आपका मात्रक क्या निकलेगा, तो क्या आंसर है, के इक्वल टू लरा
मतलब एल अपान आर ए, और इसका मात्रक एल क्या होगा बच्चों, अगर हम आपका सेंटीमीटर ले ले तो सेंटीमीटर, आर का मात्रक क्या होता है प्रतिरोध है बच्चों, क्या होगा ओम होगा, और ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्या निकला बच्चों, वन अपान ओम, और क्या निकला का सेंटीमीटर निकला, और ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर इनवर्स हुआ। अब ओम इनवर्स को क्या कहते हैं बच्चों, आपका साइमन कहते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हुआ। तो ये आपका क्या निकला बच्चों, यह आपका मात्रक निकल गया, और यहाँ पर बच्चों हमने आपका क्या लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया है। तो ये आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इससे आप यहाँ पर कापा इक्वल टू वन अपन आर को बच्चों ध्यान दीजिएगा। और यदि बच्चों यहाँ से हम एक डेफिनेशन और बनाना चाहें, तो कापा इक्वल टू क्या होगा, वन अपन आर मतलब चालकता, चालकता हो गई बच्चों, और यल बाई क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। तो कहने का मतलब यदि आपका एल कितना हो, एक मीटर हो मान लिया, और ए कितना है बच्चों, वन मीटर स्क्वायर है, तो जो आपका कापा आएगा वो क्या होगा बच्चों, चालकता के इक्वल होगा। मतलब क्या निकला, यदि किसी तार की लंबाई वन मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वन मीटर स्क्वायर हो, तो उसका विशिष्ट चालकता उसके चालकता के बराबर होती है। और बच्चों यहाँ पर किसी तार की लंबाई, या यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं आप इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, अगर आप सेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी आप बच्चों लिखिएगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आपका कोलराउस का नियम क्या है। तो कोलराउस ने क्या बताया बच्चों कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अवघट्य, किसी वैद्युत अवघट्य के, किसी वैद्युत अवघट्य के आयनों का अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अवघट्य के आयनों का अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस वैद्युत अवघट्य के मोलर चालकता, मोलर चालकता के बराबर होती है।
तो चूंकि आयन अनंत तनुता पर किसी वायु तप घट के आयनों की अनंत तनुता पर मोल अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग, बच्चों यहाँ पर कर दीजिए, चालकताओं का योग उस वायु तप घट के मोलर चालकता के बराबर होती है। यदि बच्चों यहाँ पर मान लें, माना NaCl कोई वैद्युत अपघट्य है, कोई वैद्युत अपघट्य है, तो यदि बच्चों यहां पर हमें देखना है कि अनंत तनुता पर NaCl का मोलर चालकता क्या होगी बच्चों, तो ये क्या होगी आपकी लैम्डा एम NaCl, लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl, क्योंकि बच्चों क्या आपका अनंत तनुता है, तो क्या होगा बच्चों इसमें कौन से आयन निकलेंगे आपका लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अगर बच्चों आपका और कोई वैद्युत अपघट्य ले ले, जैसे बच्चों हमने आप मान लिया आपका CH3COOH है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों आप आसानी से निकाल सकते हैं इसमें कौन कौन से आयन निकलेंगे, CH3CCO- और H+ निकलेंगे बच्चों, तो यहाँ से इसके फार्मूला आप आसानी से लिख सकते हो। और इस प्रकार से बच्चों आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। और यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।